अभी तो आए, अभी जाना है। पच्चीस सितंबर को रांची के प्रभात तारा मैदान धुरुआ में एक बड़ा कार्यक्रम जनादेश समागम। हम सब लोगों की प्रयास है कि उस कार्यक्रम में हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, जो नीचे निचली इकाई जो हमारे पंचायत है वहाँ से, अरे सभी कार्यकर्ता वो जनादेश के समागम में लोग पहुँचे, इसी की तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। हमारी पार्टी गठबंधन के विरोधी कभी नहीं रही है। जब 2006 में झारखंड विकास मोर्चा हम लोग बनाए, उसके बाद पहला आम चुनाव हुआ है झारखंड में 2009, तो पहला आम चुनाव में भी हम लोग गठबंधन करके ही चुनाव लड़े थे। 14 में हम लोगों ने कोशिश किया, नहीं हो पाया। अब 19 के विधानसभा चुनाव निकट है, जब हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दी जाएगी। हम ऐसे कोई विरोधी नहीं। अब रिकॉर्ड जब उनको अपने से लिखना और लिखाना है तो फिर कुछ भी वो लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी भी गांव चले जाइए और वहाँ पता करिए कितने लोग गांव छोड़ करके बाहर गए हैं रोजगार के लिए, क्योंकि एक दिन की विधानसभा बुलाने का कोई बहुत औचित नहीं। सारे जन समस्याएं थी, उनको विधानसभा बुलानी थी, तो कम से कम इतनी इतना 400-500 करोड़ रुपया लगा करके विधानसभा भवन बना, तो कम से कम विधानसभा जब इतने खर्चे करके विधानसभा भवन बनाए तो विधानसभा चलनी चाहिए। और मतलब कम से कम 10-20 दिनों के सत्र उनको बुलानी चाहिए, तब तो उनके सदुपयोग हो पाएगा। और नहीं तो इतना पैसा लगा करके, जनता की गाड़ी कमाए का पैसा लगा करके, और फिर विधानसभा में सत्र ही नहीं चले पूरा, तो वो पैसे का मिस यूज है। उससे बढ़िया तो कोई बढ़िया होटल में चलाते, तो जितना पैसा लगाया है तो उसके इंटरेस्ट से ही विधानसभा सत्र बढ़िया से चल जाता।